चल गन्ने का रस पिला मेरे को। नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर शर्त काय को लगाया? पिलाता है पिलाता है। अब कहाँ से पिलाएगा? तेरे नाम से उधार में पिलाएगा, जब पैसा कमाएगा तब वापस देगा। चला। विक्रम आप घर में कोई नहीं? हाँ है ना, मामा डैडी। क्या है क्या? तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं आ रहा हूँ। विक्रम जरा खोली किधर है? जी उधर। ऐसे हमारी दोनों की होगी, रखो। और तो तू तुम यहाँ लटकोगे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? अरे हाँ तो तू, ये अम्मा है इस घर की मालकिन, बाजू में खड़े हैं वो मालिक, ये उनका लड़का, वो लड़की, और ये तो तू। बड़ा होशियार है, मालिक का वफादार है। चलो अब मैं यही रहूंगा। हाँ, ये यही रहेंगे ये जी? ये हाँ, और खाएगा भी यही। थोड़ा तीखा बनाओ कुछ दिनों के लिए। भाग्यलक्ष्मी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बैठो बैठो जी। तबीयत कैसे ठीक होगी? वो यहाँ पे क्यों आया? अरे क्यों आया? हाँ, ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उसने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया। मिस्टर दीक्षित, हाँ? आप उसको बोलिए कि चला जाए यहाँ से, जाने को बोलो उसको। अरे बाबा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। अच्छी सुन लेगा तो क्या, मेरा घर है। अरे मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं लक्ष्मी, वो कौन हम कौन? मेरा पूजा पाठ वाला पवित्र घर है, और वो अभी अभी जाने को कहिए उसे। हाँ हाँ अभी बोलिए उसको। हाँ मैं कहता हूँ उसे घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन तुम चुप हो जाओ। अभी शांत हो जाइए। चुप हो जाओ मुस्तफा। बोलो क्या सचमुच तुम यहाँ रहने वाले हो? हाँ। मुझे लगता है ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रहने का तरीका अलग है और हमारा। हाँ समझ गया, मतलब आप पूजा पाठ करने वाले और मैं नमाज पढ़ने वाला। फिर भी मैं यही रहूंगा। ये मत पूछिए क्यों भाग्य लक्ष्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई सवाल करता है जवाब देने की। सुनो कहाँ जा रही हो? टाइपिंग इंस्टीट्यूट। इधर ऐसे टाइपिंग वाइपिंग बंद, चलो अंदर जाओ। मगर अगले महीने मेरा एग्जाम है। पास हो गई समझो, बगैर इम्तिहान के मैं पास करा दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर तुम बाहर नहीं जाओगी। भागी लक्ष्मी बहन बहुत ही पूजा पाठ वाली औरत है, आज के जमाने में ऐसी औरत मिलती कहाँ है। हाँ भाई ये बात तो सही है। अरे नमस्ते भागी लक्ष्मी बहन, हम आपके पास ही आ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए ना। और कैसी हो? बस मैं अच्छी हूँ। आपकी बेटी कैसी है? बस बहुत अच्छी है, तो आपकी दुआ से। शुक्र है भगवान का। आज रात को हम सब महिलाएं पैदल चलकर मंदिर जा रही हैं। अच्छा अच्छा, आप चलेंगी हमारे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने अच्छे काम में कौन नहीं। अच्छा भागी लक्ष्मी बहन, हम जरा जल्दी में हैं, चलते हैं फिर आएंगे। अच्छा। मिस्टर दीक्षित ये क्या हो रहा है? अरे वो नमाज पढ़ रहा है। यही बैठ के पढ़ना था क्या? पास पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे? आहिस्ता बोलो। विक्रम जरा इधर तो आओ, ये जा नमाज अंदर रख दो। हमारे यहाँ नमाज पढ़ने से अगर किसी की मोहल्ले में बेइज्जती होती है तो शुक्राने की नमाज हम अंदर पढ़ेंगे। देखो देखो वो विक्रम को भी साथ ले गया। अब मुझे पता चला कि यहाँ क्यों आया है। हे भगवान, जो मैं सोचती हूँ वो सब गलत निकले। सर्वबाधा विनिर्मुक्त होता न धान्य से दानी बता मनुष्यो मत प्रसाद अनु भविष्य। हम्म
10-11 का पाना है। देखो तो वो कैसे हुक्म चला रहा है। विक्रम क्या उसका नौकर है? ए मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? देख रहा हूं जब से मैं यहां आया हूं तुम्हारी धर्मपत्नी मुझे ये वो करके बुलाती है, क्या चल रहा है? मुस्तफा नाम है मेरा। ए जी, हा? हमारे भोले भाले विक्रम को ये अपने जैसा बना देगा। भाग्य लक्ष्मी, वो विक्रम से बहुत प्यार करता है। देखो कैसे हर 5 मिनट के बाद प्यार से उसे विक्रम विक्रम कह के पुकारता है ना? विक्रम। सुना सुना, विक्रम नहीं अक्रम कहता है। अरे नहीं नहीं, ए विक्रम। आया उस्ताद, ये लो उस्ताद। हाँ उस्ताद कहता है। अरे हमारे बेटे की भाषा भी बदल गई। वो काला धागा लाके दिया था, वो पहना है ना? ये है ना उस्ताद, काला धागा। हाँ। ए जी, हाँ? ये दरगाह का धागा है। ये मेरे विक्रम को अक्रम बना कर ही छोड़ेगा, उससे तो नहीं देखा जाता। शिव शिव शिव, भगवान मेरे बच्चे को बचा। उस्ताद। हाँ? उस्ताद मुझे भी बाइक सीखना है। साइकिल चलाता है? हाँ चलाता हूँ। तो फिर क्या है, ये क्लच है, ये गियर है, चला जा, बैठ जा पीछे। रख देगी। बैठू? अरे अरे, ये कहाँ लिए जा रहा है हमारे विक्रम को? अरे मोटरसाइकिल सिखा रहा है। मोटरसाइकिल? हाँ देखो। हे भगवान, अभी तक नहीं आया विक्रम, पता नहीं कहाँ लेके गया होगा मेरे बेटे को। आज ही जाके देखो ना, जाओ ना। आ जाएगा आ जाएगा। अरे वो देखो आ रहा है, देखो। शाबाश, जाने दे। विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ हाँ, विक्रम चला रहा है। न्यूट्रल कर, न्यूट्रल कर, मार ब्रेक। शाबाश दयानंद, तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है। आओ दयानंद, तुम भी सीख लो। आइए ना डैडी। अब्बा बोल, अब्बा, अब्बा बोल। आइए ना अब्बा। अब्बा, अब तुम डैडी से अब्बा हो गए। हे भगवान, मेरा बेटा तो गया। चल उधर, चल चल। आ गया बेकारों का सरदार। ए दयानंद। हाँ? देखा, एक दिन में सीख गया। अरे बेटा किसका है? अरे बेटा तो तुम्हारा है, लेकिन शागिर्द किसका है? चलाता हूँ, हाथ धो के आता हूँ। अम्मा एक प्याली कॉफी पिलाओ। हुकुम तो ऐसे चलाता है जैसे मैं नौकरानी हूँ। मैं नहीं बनाती कॉफी ऑफी। कुछ कहा? लक्ष्मी बना दो ना कॉफी, मोटरसाइकिल सिखाने का भाड़ा समझ के पिला दो। अजी मोटरसाइकिल से गिर के टांग वांग टूट गई होती तो? इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अकल वकल है कि नहीं? बर्तन को मुंह लगा के कॉफी पीता है, ऊपर से पियो, बर्तन तो झूठा मत करो। कॉफी तो ऐसे पीता है जैसे पूरा बर्तन खा जाएगा। नहीं खाऊंगा, या ऐसे पीऊंगा। बना दो ना। मेरा बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए, बस। चाय पीते पीते जिंदगी गुजरी, अब अम्मा की कॉफी का चस्का लग गया। लगता है 8-10 कप पिए बगैर दिन नहीं गुजरेगा। ऐसा मत करना बाबा, एक तो नौकरी से निकाला गया हूँ, अब घर से भी निकाला जाऊंगा। तो अम्मा कॉफी ला रही है प्यार से। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बोलो शुक्रिया। मुस्तफा। हाँ? कॉफी। शुक्रिया मुस्तफा। मुस्तफा। हाँ? गर्म है। हाँ अम्मा का हाथ लगाए तो गर्म ही होगी मुस्तफा। हाँ? वो स्पेशल है। क्यों, शक्कर की जगह नमक डाला है? विक्रम वो लाना। ये लो उस्ताद। अम्मा को ये पसंद नहीं कि उनके बर्तन को मैं मुंह लगाऊं, और बचपन से मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि छूत अछूत क्या होती है। फुटपाथ थी, बेरहम भूख थी, बेरहम जिंदगी थी। चलो अम्मा भी खुश, हम भी खुश।